तो दोस्तों प्रो कबड्डी सीजन 9 के लिए जो यूपी योद्धा की टीम है उन्होंने अपने 10 प्लेयर की जो लिस्ट है उसे यहाँ पर ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। तो इस वीडियो में आपको वही लिस्ट बताने वाला हूँ 10 प्लेयर की यूपी योद्धा की पीकेएल सीजन 9 के लिए, और देखते हैं क्या यहाँ पर प्रदीप नरवाल को भी टीम ने रिटेन किया है। तो ये होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, तो आप इस वीडियो को देखें लास्ट तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक और नई वीडियो की। यहाँ पर दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं 10 प्लेयर की लिस्ट के बारे में। तो जो पहले खिलाड़ी जिसको टीम ने रिटेन किया है वह है दोस्तों यहाँ पर सीजन 8 की टीम कैप्टन नितेश कुमार। यह दोस्तों बहुत ही शानदार यहाँ पर राइट कॉर्नर प्लेयर है और सीजन 8 में यूपी योद्धा की टीम के लिए उन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। और बात करते हैं यहाँ पर दूसरे खिलाड़ी के बारे में, तो वो है यहाँ पर सुरेंद्र गिल। सीजन 8 में अपना डेब्यू करने वाले सुरेंद्र गिल ने दोस्तों पीकेएल सीजन 8 में शानदार परफॉर्मेंस दी थी। इन्होंने यहाँ पर इस सीजन में प्रदीप नरवाल के मुकाबले बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी लगातार। और यहाँ पर दोस्तों 69 सीनियर नेशनल मैंस चैंपियनशिप के अंदर भी इस खिलाड़ी ने गोवा की टीम को थर्ड पोजीशन दिलाई और बहुत ही बेहतरीन रेडिंग की है। तो इन्हें यहाँ पर दोस्तों टीम में रिटेन किया सीजन 9 के लिए। और बात करें यहाँ पर तीसरे प्लेयर के बारे में, तो हुआ सुमित सांगवान। लेफ्ट कॉर्नर के इस खिलाड़ी ने दोस्तों पीकेएल सीजन 8 में नितेश कुमार का बहुत ही शानदार साथ दिया था और टीम के लिए बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस की थी यहाँ पर कॉर्नर पर, और टीम को अहम मौके पर यहाँ पर मैच में जीत दिलाई थी। और बात करें यहाँ पर चौथे प्लेयर के बारे में, तो वो है यहाँ पर दोस्तों राइट कवर प्लेयर आशु सिंह ने भी यहाँ पर दोस्तों प्रो कबड्डी सीजन 8 में टीम के लिए बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। इसी के चलते यहाँ पर दोस्तों टीम ने इन प्लेयर को रिटेन किया है। तो दोस्तों ये थे वो चार प्लेयर जिन्हें यहाँ पर यूपी योद्धा की टीम ने रिटेन किया प्रो कबड्डी सीजन 9 के लिए। और हम आपको बता दें कि जो प्रदीप नरवाल है दोस्तों उनको टीम ने यहाँ पर रिटेन नहीं किया है, क्योंकि एक कैटेगरी से आप देख सकते हैं पर नितेश कुमार, सुरेंद्र गिल और सुमित सांगवान को टीम ने रिटेन किया है। तो ऐसे में भी ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है कि जो प्रदीप नरवाल है वो यहाँ पर हमें पीकेएल सीजन 9 के ऑप्शन में दिखाई देने वाले हैं। तो आप यहाँ पर हमें कमेंट करके जरूर बताइए, अगर प्रदीप नरवाल यहाँ पर पीकेएल सीजन 9 के ऑप्शन में दिखाई देंगे तो कौन सी टीम उन्हें खरीदना चाहेगी और आप यहाँ पर उन्हें किस टीम में देखना चाहते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कबड्डी से जुड़ी ऐसी शानदार अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।